डोंगरगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र में हुए उपसरपंच चुनाव में नारायणगढ़ के उपसरपंच प्रत्याशी देवी प्रसाद को पीठासीन ने दोबारा फॉर्म नहीं दिया था, जिसके विरोध में सरपंच शैलेन्द्र जोशी पंच और ग्रामीणों ने तहसीलदार और सीओ जनपद पंचायत को पीठासीन पर नियम विरोध चुनाव कराने का आरोप लगाया और विरोध जताते हुए चुनाव को दोबारा कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। सरपंच शैलेन्द्र जोशी का कहना है कि पीठासीन अधिकारी ने समय रहने के बाद भी उपसरपंच प्रत्याशी देवी प्रसाद को पहले फॉर्म में त्रुटि होने के बाद दोबारा फॉर्म नहीं भरने दिया और जाफर अली को उपसरपंच घोषित कर दिया गया। हम लोग उपसरपंच को चुनाव दोबारा चाहते हैं। हम लोग पूरा पूर्ण रूप से खुशी नहीं हुई है कि उपसरपंच का चुनाव हुआ है, क्योंकि वो गलत रूप से हुआ है और हमको सही तरीके से सही चुनाव चाहिए। हाँ, पीठा सिंह के अधिकारी के गाड़ी भी उसको बैठा के लेके गए हैं, जबकि ऐसा परमिशन कहीं पर भी नहीं है कि पीठा सिंह प्रत्याशी के गाड़ी भी बैठ के जाए, ये गलत है। नारायणगढ़ से कुछ ग्रामों से आए थे, पंच भी आए थे, जिन्होंने बता रहे थे कि नामिनेशन पत्र जो भरा गया था उसमें त्रुटि था। त्रुटि के कारण समय रहते दूसरे नॉमिनेशन फार्म मांगा गया, उसके बाद देने के बावजूद उसको वापस पीठासीन के द्वारा ले लिया गया, सर बता रहे हैं। उसके हम जांच करवाएंगे, उसके बाद ही पूरी बात सामने आएगी।